हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहता हूं, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी वजह से मेरे चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर्स हो गए। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स दिल से, क्योंकि फ्रेंड्स आपके ही सपोर्ट से मेरे चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर्स हो गए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड्स STM32 माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प से ड्रोन बनाएंगे, मीन्स हम उसका फ्लाइट कंट्रोल बनाएंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, तभी फ्रेंड्स आपको समझ आएगा इसे मैंने कैसे बनाया है। एंड फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ऐसी वीडियो को देखने। सो फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आप हमारे क्वाडकॉप्टर का फ्रेम देख सकते हैं, इसे मैंने बहुत पहले ही बनाया था, तो मैं इसका लिंक आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारे क्वाडकॉप्टर का फ्रेम रेक्टेंगुलर एल्युमिनियम पाइप और PVC शीट से बना हुआ है, और इसके ऊपर मैंने BLDC मोटर और ESC को लगा रखा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हैं हमारे इस वीडियो का मेन कंटेंट, जो कि है ये फ्लाइट कंट्रोलर, और ये बनाए STM32 बेस माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प से कम्प्लीटली। यहां पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये ब्लू वाला है हमारा STM32 बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर, और फ्रेंड्स ये है हमारा MPU6050 एक्सेलरोमीटर एंड जायरो सेंसर। फ्रेंड्स, ये फ्लाइट कंट्रोलर कम्प्लीटली इन्हीं टाइप के मॉड्यूल से बना है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी ESC की वायर, जो कि हमारी मोटर से कनेक्ट होती है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप स्टेटस LED देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी रिसीवर की पिन कनेक्ट होंगी। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा GPS और बैरोमीटर कनेक्ट होगा। फ्रेंड्स, इस माइक्रो कंट्रोलर को मैंने एक YouTube के रेफरेंस वीडियो से बनाया है। फ्रेंड्स, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ, वहाँ से आप उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल देख सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप हमारा GPS और बैरोमीटर का मॉड्यूल देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे इसे ओपन करके दिखा रहा हूँ कि हमारा बैरोमीटर कैसा है इसके अंदर। फ्रेंड, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये MS5611 बैरोमीटर। ये फ्रेंड्स हमारे ड्रोन को एल्टीट्यूड होल्ड करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप टॉप पे देख सकते हैं ये है हमारा GPS। ये फ्रेंड्स हमारे इस ड्रोन के मेन कंपोनेंट्स, फ्लाइट कंट्रोलर और फ्रेंड्स हमारा GPS और हमारा बैरोमीटर। नाउ फ्रेंड्स, अब हम अपने इस फ्लाइट कंट्रोलर को अपने ड्रोन पे माउंट करेंगे अच्छे तरीके से। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने इस फ्लाइट कंट्रोलर को ड्रोन पे अच्छे तरीके से माउंट कर लिया है, और उसके साथ मैंने GPS और बैरोमीटर को भी। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसमें रिसीवर कनेक्ट कर रहा हूँ, जो कि आपने देखा। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैंने इस वीडियो में माइक्रो कंट्रोलर के प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्यों नहीं कुछ बताया, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इस फ्लाइट कंट्रोल पर जो भी काम किया है मैंने उस वीडियो के रेफरेंस और ट्यूटोरियल को देख के किया है। फ्रेंड्स, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसे आप देख कर उसको ट्यूटोरियल को समझ के कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपने ड्रोन के ट्रांसमीटर में आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। वो सेटिंग है फ्रेंड्स, आपको अपने ड्रोन के ट्रांसमीटर को PWM से PPM पे सेट करना होगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं PPM आउटपुट पे मैंने इसे सेट कर रखा है, जो कि आप देख सकते हैं ऑन है। नाउ फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं हमारी 3S लाइपो बैटरी, जिसे हम अपने ड्रोन को पावर अप करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम अपने ड्रोन को बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा ड्रोन कैलिब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू LED ब्लिंक हो रही है। फ्रेंड्स, इसका टोटली प्रोग्राम आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियो का जो रेफरेंस है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहां पे फ्रेंड्स आप फ्लाइट मोड देख सकते हैं। यहां पे फ्रेंड्स हम अपने ड्रोन को आर्म करेंगे।
जो कि आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स मेरी मोटर एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रही है और एक ही टाइम पे बंद हो रही है। इसका मतलब फ्रेंड्स हमारी एसी अच्छी तरीके से कैलिब्रेट है। नाउ फ्रेंड्स अब अपने ड्रोन को टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा STM32 बेस्ड ड्रोन कितना ज़्यादा स्टेबल है फ्रेंड्स, और इससे हमें कितनी ज़्यादा स्मूथ फ्लाइट मिल रही है फ्रेंड्स। मैं इसे बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल भी कर पा रहा हूं, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहां पे हमारा ड्रोन बिल्कुल भी ऑसिलेट नहीं कर रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो फ्रेंड्स इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, सो फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, जिससे मैं भी मोटिवेट हो सकूँ आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूँ। एंड फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। हम दोबारा एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।